तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि आप किस तरह से पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और भी बिना मोबाइल नंबर लिंक का। तो कुछ तरीका है, कुछ ट्रिक्स है, IRC के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या है, टोटली इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पेटीएम ऐप को ओपन कर लिया है और इसमें दोस्तों एक रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। आपका यदि मिनी KYC हुआ है ना तो यह ट्रिक काम कर रही है, यदि मिनी KYC नहीं हुआ है तो प्लीज़ YouTube पे वीडियो देख के आप मिनी KYC कर सकते हैं, और फुल KYC यदि है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है आइए बताते हैं। सिंपल पेटीएम वैलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पे कम से कम आपको वैलेट में 20 रुपये तक ऐड कर लेना होगा। और आप चाहें तो अपने नंबर पे किसी अन्य से भी ट्रांसफ़र करवाएंगे पैसा तो वैलेट में ही आता है, क्योंकि कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो पेटीएम वैलेट में ही पैसा आता है। हाँ, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल है, यहाँ पे पेटीएम वैलेट में कम से कम 20 रुपये होना जरूरी है। देख सकते हैं मेरे में कुछ पैसे यहाँ पे ऐड है, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना होगा हमको आइए बताते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ट्रांसफर टू बैंक का, इस पर हमको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे कुछ अमाउंट इंटर करना, मिनिमम यहाँ पे 20 रुपये आपको इंटर करना है, मैं कर देता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे मैंने बैंक अकाउंट पहले से लिंक कर रखे हैं जिसमें हमारा मोबाइल नंबर पहले से लिंक है, तो सिंपल ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको उनका मोबाइल नंबर, सॉरी यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर दे देना है जिनका भी आप लिंक कर रहे हो। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। IFSC कोड यहाँ पे देना है, यदि ना मिले तो आप फाइंड भी कर सकते हो। फाइंड IFSC पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिएगा, कौन सा बैंक है आपका। तो मेरा स्टेट है तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब ब्रांच लेना है तो मैं यहाँ से ब्रांच ले लेता हूँ, ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ तो नहीं आ रहा है, तो दोबारा से, सॉरी स्टेट लेना है उत्तर प्रदेश, मैंने स्टेट ले लिया। अब ब्रांच लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गोरखपुर ले लिया, अपना शहर लेना था तो मैंने गोरखपुर ले लिया। अब ब्रांच लेना है तो KIS नहीं ले रहा है, तो यहाँ से दोबारा से URWA करते हैं, ये भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसमें सर्च कर लीजिएगा, IFSC कोड यदि है तो बहुत आसानी से आप भर सकते हो, और यदि नहीं है ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सर्च तो करना ही होगा। ब्रांच मैं ले लेता हूँ, ब्रांच, ठीक है। तो मेरा जो ब्रांच है यहाँ पे उरवा है, URWA नहीं ले रहा है, KISUN। यहाँ पे दोस्तों मैंने मैन्युअली अपना IFSC कोड डाल दिया, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है जो भी नाम है उनका, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उनका नाम इंटर करके और यहाँ से मैंने भर दिया, प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। अब हमारे देख सकते हैं दोबारा से आपको एक बार और यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर देना होगा कन्फर्मेशन के लिए, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अमाउंट भी सेंट है तो अपने ही खाते में आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक OTP आता है, 1-time password हमारे फ़ोन नंबर पर, और वह यहाँ पे मैनुअली फिल कर देना होगा। तो 80-86-90 मैंने भर दिया, सॉरी दोस्तों दोबारा से मैं फिल करूँगा क्योंकि गलत हो रहा है, 80-86-90 कन्फर्म करता हूँ। और मेरा यहाँ से बैंक दोबारा से फिर OTP आएगा, 72-93-84, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारी वेरीफाई होगी OTP और हमारा यहाँ पे दोस्तों अभी बैंक ऐड हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे हैं। और दोबारा से यदि हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है और हम आसानी से अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसा आपने देखा, ठीक है ना। तो देखते हैं ट्रांसफर बैंक पर जाते हैं और यहाँ पे फिर कुछ अमाउंट लिखते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आए, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।